तुम्हें ढूंढना क्या है उसकी खोज करो। तुम रात दिन भोजन के चक्कर में पड़े हो, रात दिन नौकरी धंधे के चक्कर में पड़े हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन तुम्हें खोजना क्या है? तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो कि कहां पर परमेश्वर का राज्य मिलता है। परमेश्वर का धर्म क्या है? क्या संसार के धर्म से कोई अलग है क्या? हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म को खोजो। रविशु ने कहा, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो संसार की वस्तुएं तुम्हें इनमें जिसके लिए तुम परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके लिए तुम मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत उसके लिए करो कि परमेश्वर का राज्य कहाँ मिलेगा और परमेश्वर का धर्म मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम देखते हैं कि आखिर में परमेश्वर का धर्म क्या है और संसार का धर्म क्या है। परमेश्वर का धर्म क्या है, संसार का धर्म क्या है? संसार में कितने धर्म है, कितने लोगों को मालूम है क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार में कितने धर्म है, किसी को मालूम है संसार में कितने धर्म है? पांच उंगली उठाओ, पांच ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और का वा? हालेलुया, हालेलुया। भाई संसार में जो धर्म है दो चार पांच ऐसे हैं जिसका नाम आप जानते हो, ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विश्व भर में 4200 धर्म है। कितने हैं? 4200 धर्म है। अब बताइए क्या 4200 धर्म जो है परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं? संसार अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना अपना सब कुछ मानते हैं। 4200 धर्म जो दो चार धर्मों के आप नाम बता सकते हो, कोई कहेगा हिंदू, कोई कहेगा मुस्लिम, कोई कहेगा सिख, कोई कहेगा ईसाई, चार पांच धर्म के नाम आप बता सकते हो, जबकि विश्व के अंदर 4200 धर्म हैं। कितने हैं? क्या ये 4200 धर्म हमें परमेश्वर के पास ले जाएंगे या परमेश्वर का कोई अलग धर्म है, ईश्वर का कोई अलग धर्म है? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु ने कहा आज आप सबको में कि तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम हिंदू बन जाओ, परमेश्वर ने नहीं कहा तुम मुस्लिम बन जाओ, परमेश्वर ने नहीं कहा तुम सिख बन जाओ, परमेश्वर ने कहा तुम ईसाई बन जाओ, ये तो नहीं कहा ना। उसने कहा परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की, उसने नहीं कहा कि तुम मुस्लिम बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई बन जाओ, ऐसा परमेश्वर ने कुछ भी क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का धर्म जो है कि संसार के धर्म से बिल्कुल परे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, धर्म है क्या? अब मनुष्य को यह भी मालूम होते धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या चीज है। हालेलुया, महाभारत कर्ण पर्व में लिखा है, धर्माधारते प्रजा, धर्माधारते प्रजा। हालेलुया, हालेलुया, धारण करना ही धर्म कहलाता है, जो तुम धारण करते हो ही। महाभारत कर्ण पर्व में लिखा है, धर्मणा धारते प्रजा, यानी धारण करना ही धर्म कहलाता है, जिसको आप धारण करते हो वही क्या है, धर्म है। ऋग्वेद 12:1 के अनुसार, ऋग्वेद 12:1 के अनुसार पृथ्वी धर्मणा करता, पृथ्वी धर्मणा करता, यानी धर्म ही इस पृथ्वी का आश्रय, धर्म ही इस पृथ्वी का आश्रय। ऋग्वेद 12:1 के अनुसार पृथ्वी धर्मणा करता, धर्म ही इस पृथ्वी का आश्रय। प्यारे भाई बोलो,
परमेश्वर वचन में निकालता है कि धर्म ही पृथ्वी का आश्रय है और धारण करना ही धर्म कहलाता है। लेकिन हम क्या धारण करें? 4200 धर्म है। आप कितने दिन किसका किसका नाम लोगे कि 4200 में से आप ईश्वर के पास पहुंचोगे? 4200 धर्म, 4200 धर्म है। क्या नाम लोगे, क्या करोगे कि तुम परमेश्वर के पास पहुंचोगे? हालेलुया, हालेलुया। धारण करना ही धर्म कहलाता है। पृथ्वी धर्मना करता, धर्म ही पृथ्वी का आश्रय, धर्म पर ही दुनिया टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहती, इसलिए मैं थोड़े से वचन को समाप्त करता हूं। मैंने आपको बताया कि वचन कह रही है, परमेश्वर मसीह ने भी कहा, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो। आखिर में कौन सा परमेश्वर का राज्य कहां मिलता है? परमेश्वर का धर्म है क्या? रिपीट करता है कि धर्म एक पृथ्वी का आश्रय है। महाभारत कर्म पर्व में लिखा है, धारण करना ही धर्म कहलाता है। तो आखिर में वो है क्या? धारण क्या करना है, क्या धारण करना है, क्या है धर्म? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कैसा है? आप हो सकता की पुस्तक खोलिए, अध्याय 48:17 पढ़िए। तो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48:17। आने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तू उन्हें मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी यहोवा जो तुम्हारा छुड़ाने वाला है। अब ध्यान देना, जिनको यहोवा के विषय में नहीं मालूम है वो ये जान ले कि परमेश्वर का नाम यहोवा है, क्योंकि आदि में वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से जाना जाता था। जब दुनिया को निर्माण किया, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब उसने मूसा को दर्शन दिया, मूसा ने पूछा कि हे प्रभु, आप हैं कौन? आप हैं कौन? मैं राजा फिरौन से क्या बताऊंगा यदि कहेगा कि तुम अपने परमेश्वर के लिए क्या करने के लिए जा रहे हो, भेड़ चराने के लिए जाओ, तेरा परमेश्वर है कौन, तो मैं नाम क्या बताऊंगा? उस समय प्रभु ने अपना नाम बताया, मेरा नाम यहोवा है। मेरा नाम, तेरा नाम यहोवा है। यहोवा का मतलब उन्होंने बताया, यहोवा का मतलब मैं जो कभी बदलने वाला ईश्वर नहीं। यहोवा के नाम का अर्थ है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं कभी बदलने वाला ईश्वर नहीं। वही यहोवा उसी वचन में परमेश्वर दर्शन के द्वारा कहता है, दर्शन पाता है, भविष्यवक्ता दर्शन के द्वारा कहता है कि परमेश्वर कहता है
कि मैं यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इज़राइल का पवित्र हूं, मैं यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इज़राइल का पवित्र हूं। वह यो कहता है, वह यो कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे लाभ के लिए तुझे बातें बताता हूं, मैं तेरे लाभ के लिए, मैं तेरे लाभ के लिए तुझे बातें बताता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस मार्ग से तुझे चलना है उसी मार्ग पे तुम्हें लेके चलता, जिस मार्ग पे तुझे चलना है उसी मार्ग पे मैं तुझे लेके चलता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस मार्ग पे तुझे चलना है मैं उसी मार्ग पे तुझे लेके चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान पूर्वक सुनता। आगे परमेश्वर कहता है, भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान पूर्वक सुनता तो तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान।